बाबर हार्ड लक टुनाइट। हाफ ए मार्क पे जब आप लोगों ने उनको 163 पे रिस्ट कर लिया था, लग रहा था कि 164 रिलेटिवली आसान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसा ही है कि 160 पे हमने स्टिक किया था, लेकिन उसके बाद जो बैटिंग में हमने पहले जो 6 ओवर से वैसे यूटिलाइज़ नहीं किया, क्योंकि बैक टू बैक विकटें गिरी, जिस तरह मैं और रिजवान अर्ली ऑन आउट हुए, उसके बाद फिर एक विकेट गिरी है, तो उसी वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ। हम बैटिंग डेप्थ की बात करते हैं, और जिस वक्त पाकिस्तान की 11 खेल रही है उसमें आज इफ्तिखार 8 नंबर पे आए, 88 for 7 तकरीबन था। इसकी कोई खास वजह कि फ्लक्चुएशन या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट इफ्तिखार का 8 पे आना, इस पे के पीछे क्या आपके थॉट्स थे? देखें, फ्लेक्सिबल रखा हुआ है बैटिंग ऑर्डर में, और हिट ऑफ द मोमेंट हमें जो बेस्ट लगा हमने वो यूटिलाइज़ किया, और मेरे ख्याल से जिस तरह इफ्तिखार ने इनिंग्स बनाई और फ़हीम ने इनिंग्स बनाई, वो आउटस्टैंडिंग थी। देखें, यही हमारे लिए जो हम इतनी डेथ खिला रहे हैं बैटिंग में, इसी वजह से खिला रहे हैं कि हम किसी को किसी टाइम भी भेज सकते हैं, और जिस तरह इफ्तिखार किसी भी नंबर्स पे खेल सकता है, और नंबर्स मैटर नहीं करते, और कोशिश करते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट जो बेस्ट प्लेयर उस पर शूट करता है उस हिसाब से उनको भेजा जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी और डेप्थ आपके पास बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में भी है। बॉलिंग ग्रुप अगेन वॉज अप टू द टास्क 163 पर रिस्ट्रिक्ट करना, हालांकि टॉम लेथम ने कहा था 160 शुड बी अ गुड स्कोर, बट पिच में लग रहा था कि थोड़े से और रन थे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जिस तरह हमारी बॉलिंग है थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो चल रहे हैं लास्ट 3 मैचेस में, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, जो हमने प्लानिंग की है और जो हमने प्लान सेट किए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मेन चीज़ है प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इवन के हमारे सीनियर बॉलर भी और जो यंगस्टर भी हैं वो भी आके अपने प्लान से एग्जीक्यूट करते हैं, और एज अ टीम कोशिश करते हैं कि जो हमारा बेस्ट हो वो हम अप्लाई करें। चलें बाबर, हार्ड लक टुनाइट, बट गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम्स एंड सी यू इन पिंडी। थैंक यू।